चमत्कार हुआ है कभी आपके जीवन में? चमत्कार, जादू, अचानक से भाग्य बदल जाना, करोड़पति बन जाना, लॉटरी लग जाना, अचानक से गड़ा हुआ खजाना प्राप्त हो जाना, स्वप्न में कुछ देखना और वह स्वप्न तुरंत से साकार हो जाना, आप किसी से कुछ कहे ना कहे परंतु मन में सोचे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये तो चमत्कार है। मेरे किस पूजा पाठ का ये फल है? मैंने कौन से अच्छे कर्म किए हैं कि अचानक से मेरे साथ यह चमत्कार हुआ? ये हुआ है क्या आपके साथ? बताओ, हुआ हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। वैसे भी चमत्कार की अनगिनत कहानियां मेरे पास आती हैं, मैं पढ़ती हूँ, चैनल पर साझा नहीं कर पाती हूँ, समय का अभाव है और हर इंसान पता नहीं दिलचस्पी ले या ना ले आपके चमत्कार में, परंतु मैं दिलचस्पी से पढ़ती हूँ, इसीलिए मैं दूसरों को नहीं बताती हूँ। कभी कोई ऐसी बात होगी तो मैं आपके साथ भी साझा करूँगी, वरना मेरे कमेंट सेक्शन में और ईमेल पर अनगिनत आपकी सफलताओं के मैसेजेस और आपके जीवन में हो रहे चमत्कार और अनुभव मुझे प्राप्त हो रहे हैं। अच्छा लगता है अपने नाम अपने जन्म तारीख के साथ आप मुझे लिखते हैं, अपनापन लगता है, परिवार का हिस्सा बनते हैं आप। भी गरीबी से गुजर रहे हैं, तंगी से गुजर रहे हैं, दुविधाओं से गुजर रहे हैं और धन की कमी से गुजर रहे हैं, और ये कमियां लंबी है, लंबे समय से चली आ रही है, और आपको मालूम है कि मैं अभी लंबे समय तक गरीब ही रहने वाला हूँ, कंगाल ही रहने वाला हूँ। ये जो कमी है खत्म नहीं होने वाली मेरे जीवन से, ऐसा आपको आप मान चुके हैं कि ये कमी खत्म नहीं होगी, क्योंकि कहाँ से खत्म होगी? आप एक नौकरी कर रहे हो, उन नौकरी में बराबर की सैलरी आपको मिल रही है और वही सैलरी अभी वर्षों तक मिलने वाली है, ऐसा नहीं कि प्रमोशन हो जाएगा और सैलरी आपकी तीन गुना हो जाएगी। आप कोई बिजनेस कर रहे हो और एक एबिलिस्ट सा आय उससे प्राप्त हो रहा है, तब रातों रात तो बिजनेस नहीं ना करोड़पति आपको बना देगा, फिर कहाँ से चमत्कार होगा? इसीलिए आप जानते हैं कि मैं पूजा करूँ या ना करूँ, पाठ करूँ या ना करूँ, जाऊं या ना जाऊं काम पर, ये जो आय है इतनी ही होने वाली है। और मेरे पर जितने इल्ज़ाम लग रहे हैं ना, लोग जो जो पका रहे हैं मुझे, तुम कमी रख देते हो मुझे, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम कंगाल हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तो ये इल्ज़ाम मुझ पर लगते रहने वाले, तुम भी ढीठ हो गए हो, क्या करूं? मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं इसी तरह के, इसीलिए मैं ये सारी बातें बोलती हूं ताकि तुम्हें समझ में आए कि तुम भी इसी समस्या से गुजर रहे हो, कमी है तुम्हारे पास भी चीज़ों की। गाड़ी लेने की सोचे, पूरा साल बीत गए नहीं ले सके। फ्लैट लेने की सोच रहे हो, ना जाने कितने साल बीत गए और कितने साल बीत भी जाएंगे ले पाओगे भी या नहीं, पता नहीं। एक बच्चा तो प्लान कर ही नहीं पा रहे हो, लग रहा है कि उसका खर्चा कौन उठाएगा, है ना? कुछ कपड़े अच्छे तुमने ले लिए हैं, कुछ मोबाइल फोन ले लिए हो और उसी से किसी तरह दिखावा वाली जिंदगी जी रहे हो, परंतु भीतर से तुम कमजोर हो, तुम्हारा बैंक बैलेंस कम है तुम्हें मालूम है, तुम्हारी पत्नी जानती है कि कुछ नहीं है हमारे पास, चार अच्छी साड़ियां हैं उसके पास, पहनकर चली तो जाती है बाहर, परंतु उसे मालूम है कि हम भीतर से कमजोर हैं, तुम्हारे बच्चे जानते हैं कि हम लोग गरीब हैं, इसलिए किसी महंगी चीज पर हाथ नहीं रखते ताकि कहीं बेइज्जती ना हो जाए। तो यदि ये दौर गुजर रहा है तो चलो इस दौर को तुम्हारे जीवन से हटा देते हैं, हाँ तुम्हें भी चमत्कार का अनुभव कराते हैं। कैसे रातों रात भाग्य बदलता है, कैसे किस्मत बदलती है? सुना था हमने, कोई 1,000 रुपया लेके आया था इस शहर में, आज बड़े बड़े पूंजीपतियों में उसका नाम है। कोई किसी के यहाँ काम करता था, जूठा मांझता था, तो कोई छोटी मोटी दुकान में काम करता था, आज करोड़पति है। पर यह चमत्कार तुम्हारे साथ कभी नहीं हुआ। देखो, तुम्हारा जो शरीर बना हुआ है, आपका जो पूरा शरीर बॉडी बनी हुई है, वह संपूर्ण ब्रह्मांड है, भूलना मत। हम लोग इंसान नहीं, हम लोग परमात्मा के बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा परमात्मा हमारे भीतर भी बसता है, इस सत्य को कभी मत भूलना। तो खुद को गालियां देना, कोसना, खुद में कमियां निकालना बंद करो, हमेशा अपनी तारीफ करो, मैं सुंदर हूँ, मैं दक्ष हूँ, मैं काबिल हूँ, जो कोई नहीं कर सकता मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, ऐसा कहने मात्र से तुम्हारे भीतर ऊर्जा का संचार होता है। आज एक अद्भुत दुर्लभ प्रयोग बताऊंगी जिससे चमत्कार ना हो जाए तुम्हारे जीवन में, तो कहना ऊर्जाओं को, धन को अपनी ओर तुम आकर्षित न करने लगो तो कहना इतना पैसा आने लगेगा कि ये सारे लोगों की मुंह बंद हो जाएंगी, सब तुम्हारी तारीफ करेंगे, बन जाओगे तुम करोड़पति। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें, यही वो मंत्र है जिसके जप मात्र से, जिसके स्मरण मात्र से, लिखा करो ना, बोला करो, चलते फिरते बोला करो, ड्राइव कर रहे हो मन में रखो, हाय हेलो बंद करो, ओम नमः शिवाय बोला करो, फिर देखो कैसे भाग्य बदलता है।
कलम उठाओ तो एक बार लिख दो ओम नमः शिवाय, फिर लिखो जो लिखना है। देखो तुम्हारे हाथ की दशा बदल जाएगी, मस्तिष्क की दशा बदल जाएगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। तकदीर बदल कर रख दूंगी, ऐसे ऐसे प्रयोग बताती हूँ, वह भी निःशुल्क, एक रुपये का खर्च नहीं, ना एक रुपया देना है आपको किसी को, किसी को भी नहीं, मुझे भी नहीं, किसी को भी नहीं। जब पैसे आने लगे तो मंदिर में दान दक्षिणा करना, गरीबों को भोजन करवाना, नीडी को देना, जिसका घर नहीं है घर बनवा देना, जिसकी बच्ची की शादी हो रही है उसमें थोड़ी सी मदद कर देना। समझना मुझ तक पैसे पहुंच गए। ध्यान दो, तुम्हारे दोनों हाथ हैं, शुक्रवार के दिन करना, एक बड़ा सा साइज का रश वाला नींबू खरीद लेना, और भीम सैनी कपूर होते हैं ना, मतलब जो ओरिजिनल कपूर, ढेला कपूर जिसे कहते हैं, जो आड़े तिरछे होते हैं टुकड़े मिश्री की तरह, मिल जाएंगे आसानी से, ले लेना एक छोटा सा टुकड़ा, दो पीस कर लेना, थोड़ा सा पाउडर जैसा उसे पीस देना, हाथों से पीसे जाएंगे, वो बड़ा कोमल सा होता है। एक बड़े से नींबू को दो पीस कर लेना, अपनी दोनों हथेलियों को शुक्रवार के दिन जोर से रगड़ना, एक मिनट तक रगड़ना, ऊर्जाओं से भर जाओगे, गर्म हो जाएगी हथेलियाँ, जब छोड़ोगे तो लगेगा ऐसे कि कुछ कनकनाहट सी हो रही है हाथों में। बिल्कुल जब ये होने लगे, एक चुटकी पाउडर कपूर इसमें रखना और आधा नींबू इस पर दाब देना, ऐसे 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 इस पर चढ़ा देना, नींबू का जो रसीला भाग होता है ना वो तुम्हारी हथेली पर जाएगा, उल्टा नींबू तुम्हारे ऊपर ऐसे आएगा, समझ गए। इस पर भी एक चुटकी रखना, वही पाउडर कपूर का, और वो जो आधे नींबू है वो इस पर रखना, और ऐसे बंद कर लेना, इसको ऐसे बंद कर लेना। शांत मुद्रा में बैठ जाना, आसन लगा के बैठ जाना, नींबू को उस कपूर के साथ ऐसे जोर से बंद करना। ओम धनाय नमो नमः, ओम धनाय नमो नमः, ओम धनाय नमो नमः। आंखें बंद करना, नींबू के रस से और तुम्हारे हथेली के गर्माहट से कपूर पिघलने लगेगा, तुम्हें महसूस होगी, सारी बातें तुम्हें पता चलेगी, दिखाई कुछ नहीं देगा, नींबू से ढका हुआ रहेगा, रहने देना। 108 बार इस मंत्र का जप करना, आंखें बंद करके धन को देखने का प्रयास करना, धन गिर रहा हो, तुम्हारे छत से बारिश हो रही हो, एक थाली भर कर सोने का सिक्का रखा हुआ हो, कोई आया तुम्हारे दरवाजा खटखटाया और इतनी मोटी नोटों की गड्ढी तुम्हें दे रहा हो और तुम उसे ऐसे ले रहे हो, मतलब तुम धन को स्वीकार करने वाली फीलिंग्स मन में लाना। जब तक जप कर रहे हो, माता लक्ष्मी की तस्वीर लगी हो सामने, बहुत सारे पैसे गिर रहे हो, कोई ऐसा वीडियो तुमने देखा हो माँ लक्ष्मी ऐसे की हुई हो, यहाँ से धन गिर रहा हो, उसे देखना, कोई नल खोला तुमने और असरफी गिर रही हो, मतलब मैं क्या कह रही हूँ समझो, धन को आकर्षित करना, अपने चारों ओर धन को आकर्षित करना, हथेलियों पर वो है, जुबान पर ओम धनाय नमो नमः। बस इतना, 108 बार हो जाए तब तक कपूर भी पिघल जाएगा, उसके बाद ये दोनों नींबू को कपूर को किसी पौधे में डाल देना, हाथ अच्छे से धो लेना। फिर नेक्स्ट शुक्रवार, 3 शुक्रवार, 5 शुक्रवार, 7 शुक्रवार करो ना, खुद आकर लिखोगे दीदी आज तक चमत्कार नहीं हुआ था, अब चमत्कार हुआ, बड़े धन की प्राप्ति होगी, अचानक से बड़ा कुछ होगा, छोटी छोटी से बदलाव नहीं होंगे, जिसको चमत्कार कहते हैं ना लाइफ में, वो चमत्कार होंगे। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें, खूब पैसे कमाए आप, माता लक्ष्मी की कृपा बरसे आप पर, बहुत बहुत धन्यवाद।